ऐसा सच में होने लगी तो क्या बात है। गरीब किसान के खेत में बिना बोए लौकी का पौधा उगाया, बड़ा हुआ तो उसमें 3 लौकियां लगी। उसने सोचा उन्हें बाजार में बेचकर घर के लिए कुछ सामान ले आएगा। अतः वो 3 लौकियां लेकर गांव के बाजार में गया और बेचने के यत्न से एक किनारे बैठ गया। गांव के प्रधान आए, पूछा लौकी कितने की है। मालिक, 10 रुपए की। उसने दीनता से कहा। लौकी बड़ी थी। प्रधान ने एक लौकी उठाई और यह कहकर चलता बना, बाद में ले लेना। इसी प्रकार थाने का मुंशी आया और दूसरी लौकी लेकर चलता बना। किसान बेचारा पछताता रह गया। अब एक लौकी बची थी, वो दुआ कर रहा था कि ये तो बिक जाए, ताकि कुछ और नहीं तो बच्चों के लिए पतासे और लैया ही लेता जाएगा। तभी उधर से दरोगा साहब गुजरे, नजर इकलौती लौकी पर पड़ी। देखकर कड़क कर पूछा, कितने की दी। किसान डर गया, अब यह लौकी भी गई। सहम कर बोला, मालिक, 2 तो चली गई, इसको आप ले जाओ। क्या मतलब, दरोगा ने पूछा, साफ साफ बताओ। किसान पहले घबराया, फिर डरते डरते सारा वाक्य बयान कर दिया। दरोगा जी हंसे। वो किसान को लेकर प्रधान के घर पहुंचे। प्रधान जी मूछों पर ताव देते हुए बैठे थे और पास में उनकी पत्नी बैठी लौकी छिल रही थी। दरोगा ने पूछा, लौकी कहाँ से लाए। प्रधान जी चार पाइच से उठकर खड़े हो गए। बाजार से खरीद कर लाया हूँ। कितने की है। प्रधान चुप, नजर किसान की तरफ उठ गई। दरोगा जी समझ गए, आदेश दिया, चुपचाप किसान को 1000 रुपए दो, वरना चोरी के इल्जाम में बंद कर दूंगा। काफी हुज्जत हुई, पर दरोगा जी अपनी बात पर अड़े रहे और किसान को 1000 रुपए दिलाकर ही माने। फिर किसान को लेकर थाने पहुंचे। सभी सिपाहियों और हवलदारों को किसान के सामने खड़ा कर दिया। पूछा, इनमें से कौन है। किसान ने एक हवलदार की तरफ डरते डरते उंगली उठा दी। दरोगा गरजा, शर्म नहीं आती, वर्दी की इज्जत नीलाम करते हो, सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है, बेचारा किसान कहाँ से लेकर आएगा। चलो चुपचाप किसान को 1000 रुपए निकाल कर दो। हवलदार को जेब ढीली करनी पड़ी। अब तक किसान बहुत डर गया था, सोच रहा था दरोगा जी अब ये सारा रुपया उसे छीन लेंगे। वह जाने के लिए खड़ा हुआ, तभी दरोगा ने हुड़का, जाता कहाँ है, अभी तीसरी लौकी की कीमत कहाँ मिली। उन्होंने जेब से पर्स निकाला और 1000 रुपये उसमें से पकड़ते हुए बोले, अब जा और आइंदा से तेरे साथ कोई नाइंसाफी करे तो मेरे पास चले आना। किसान दरोगा को लाख दुआएं देता हुआ घर लौट आया, लेकिन सोचता रहा, ये किस जमाने का दरोगा है। अगर ऐसा सच में होने लगे तो क्या बात है।